काइंड ऑफ लेटर के हवाले से हम बात करते हैं, लेटर को हम दो हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं। लेटर कैन बी क्लासिफाइड इन टू बेसिस। सबसे पहला है काइंड ऑफ लेटर अकॉर्डिंग टू शेप, दूसरे नंबर पर है काइंड ऑफ लेटर अकॉर्डिंग टू साउंड। काइंड ऑफ लेटर्स अकॉर्डिंग टू शेप्स में हम देखते हैं कि यहां पे भी इसके आगे दो काइंड्स और बनती हैं। तो पहली काइंड से होगी कैपिटल लेटर, और दूसरे नंबर पे है स्मॉल लेटर। जिसको कैपिटल लेटर्स क्या होते हैं, कैपिटल लेटर्स इसका इस्तेमाल पीजी क्लासों और नर्सरी क्लासों से स्टार्ट हो जाता है। बड़ी एबीसी को हम कैपिटल लेटर्स कहेंगे, और जब हम इसको लिखेंगे तो हमारी जो इंग्लिश की चार लाइंस पे इसको पहले टॉप पे लिखा जाएगा। टॉप की तीन लाइंस पे इसको लिखा जाता है, इसको हम कैपिटल लेटर्स कहेंगे। इसके पास स्मॉल लेटर्स और इसका दूसरा नाम है लोअर केस लेटर, इसको कहते हैं। इसको भी हम इंग्लिश की जो चार लाइंस होती हैं उसके हवाले से लिखते हैं, लेकिन इसमें कुछ जो लेटर्स होते हैं वो दरमियान की दो लाइंस पे आते हैं, कुछ ऊपर की तीन लाइंस पे आते हैं, और कुछ नीचे की तीन लाइंस पे आते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जिनको चार लाइंस पे लिखना पड़ता है। तो हमने काइंड्स ऑफ लेटर अकॉर्डिंग टू शेप्स देखा। इससे हमारी दो काइंड्स थी कैपिटल लेटर्स एंड स्मॉल लेटर्स, जिसको हम लोअर केस लेटर्स भी कहते हैं। अब हम इसकी जो काइंड्स ऑफ लेटर की जो दूसरी काइंड थी उसको हम देखते हैं, काइंड्स ऑफ लेटर अकॉर्डिंग टू साउंड। इसके भी आगे दो पार्ट्स हैं, एक है वॉवल और एक है कॉन्सोनेंट। वॉवल के वाले से हम बिल्कुल बेहतर जानते हैं, हमें सब को पता है कि वॉवल्स क्या होते हैं। ए ई आई ओ यू को हम वॉवल्स कहते हैं, जबकि हमारी ये पांच वॉवल्स के लेटर्स अगर हम निकाल दें, सेप्ट वॉवल्स आर लेटर्स आर का कॉन्सोनेंट, तो हमारे जो बाकी 21 लेटर्स हैं वो कॉन्सोनेंट होते हैं। दोनों में डिफरेंस कहां से है, इसकी अदायगी के लिए हमें जबान अपने होठों को नहीं मिलाना पड़ता, और जबकि कॉन्सोनेंट्स को जब हम बोलते हैं तो हमें इसके लिए होंठ अपनी जुबान को मिलाना पड़ता है। इसकी काइंड एक और भी है जिसको हम स्पेशल वॉवल भी कहते हैं। जिसके हम W एंड Y कहेंगे। ये ऐसे वॉवल्स होते हैं जो हकीकत में वॉवल्स तो नहीं है, या भी किसी स्टार्ट में आएंगे तो ये वॉवल की आवाज नहीं देते, लेकिन जब ये किसी के दरमियान में या आखिर में आते हैं तो ये अपनी आवाज वॉवल की देते हैं, जिसको हम स्पेशल वॉवल कहते हैं। काइंड ऑफ लेटर अकॉर्डिंग साउंड में हमने वॉवल और कॉन्सोनेंट के बाद एक और हमारे वॉवल होता है जिसको हम स्पेशल वॉवल भी कहते हैं। जिसको हम वाई W एंड Y कहते हैं।
जब हम इसको किसी वर्ड के स्टार्ट में लगाते हैं तो ये वाउल की साउंड नहीं देता, लेकिन जब हम इसको शुरू के बजाय अगर हम इसको दरमियान में या फिर ये किसी जगह ऐड करते हैं शुरू के अलावा, तो ये अपनी साउंड जो है ये वाउल की देता है। मिसाल के तौर पर जब हम इन तीन एग्जांपल्स को देखते हैं तो हमारा जो व्हाट है ये डब्ल्यू, जब ये डब्ल्यू है ये हमारा स्पेशल जो हमारा वॉवल है, जब स्टार्टिंग में आएगा तो ये वॉवल की आवाज नहीं देता व्हाट। लेकिन जब यही वाई आपका ये वाई जो स्पेशल वॉवल है, जब ये फिक्रे की स्टार्ट की बजाय अब आखिर में आ रहा है तो ये रेली, ये अब आवाज ई की दे रहा आखिर में रेली, तो ये हमारा स्पेशल वॉवल होगा। और इसके बाद हाइड्रोजन, हाई हाइड्रोजन, ये ई आई की आवाज दे रहा है तो लिहाजा ये भी हमारा एक स्पेशल वॉवल होगा। उम्मीद है कि आपने हमारे कोई लेक्चर को बेहद पसंद किया होगा। उम्मीद करते हैं कि आप इस प्रैक्टिस करेंगे, इसको देखेंगे और अपने कमेंट्स से आप हमें मज़ीद आगाह कीजिएगा। हम आपका इंतज़ार करेंगे अगले लेक्चर के लिए। अल्लाह हाफिज़।